गाइस कल के मैच पे एक बार और मेगा क्लीन स्वीप कराने के बाद आज हम बात करेंगे आईपीएल 2024 में खेले जाने वाले 11वें मुकाबले की, जो कि खेला जाने वाला है लखनऊ और पंजाब के बीच में। ये तगड़ा मुकाबला 30 मार्च को शाम 7:30 बजे कान्हा स्टेडियम लखनऊ में शेड्यूल्ड है। तो कैसी पिच होगी, किसको फेवर करेगी, लेकिन सारी बातों से पहले आपको अपनी कल की टीम दिखाने वाली हो गई, क्योंकि कल का हमारा जो विनिंग रेशियो था वो 100% विन रेट दिया है हमारे टेलीग्राम पे, और आप सारा प्रूफ टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी है। तो सबसे पहले खुद जाके चेक करो और किसी से भी हमारी टीम मिला लेना, किसी भी चैनल से जिस पे आप वीडियो, जिनकी वीडियो आप देख रहे हो कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। इस सारी बातों का सॉल्यूशन होता है हमारी टीम कैसी परफॉर्म कर रही है, सारी कहानी रह जाएगी एक तरफ, सारा प्रेडिक्शन रह जाएगा एक तरफ अगर टीम परफॉर्म करके देगी। और कल की आप हमारी टीम देख सकते हो जहां सब लोग विकेट कीपर में दिनेश कार्तिक, अनुज रावत के साथ गए थे। देखो गाइज मैक्सिमम लोग हमारे पास फिल साल्टा, वहां पर हमारा प्लस पॉइंट था, हमने किसी भी विकेट कीपर को नहीं लिया। इसके अलावा आप देखोगे ना ड्रीम टीम में भी आप जाके देख लेना, फिल साल्ट का ही नाम आपको दिखेगा। बैटिंग सेक्शन में हमारा ट्रम्प प्लेयर था वेंकटेश अय्यर, और कोई भी कल के मैच में वेंकटेश अय्यर को लेके नहीं आया था। ये सारी बातें प्रूफ के साथ की जा रही है और यही टीम आप देख लेना 7:30 से पहले, आपको टेलीग्राम पे कल प्रोवाइड भी की गई थी। जिसने जिसने मेरे टीम से खेला है 100% विन रेट मारा है गाइस, मैं बता रही हूं पूरा जैकपॉट और क्लीन स्वीप मेगा स्वीप आप जो बोलो, हर तरीके से ये 100% मैच विनिंग टीम थी यहां की, क्योंकि हमारा कैप्टन थे विराट कोहली, जिसने एक तरफा आपको स्कोर किया। अगर आप देखो बैंगलोर हारी जरूर थी लेकिन विराट कोहली ने अपना काम करके दिया था, 83 रन मारे थे गाइस यहां पर, आप बहुत ही गजब का खेला था। और हमारे टीम के थे कैप्टन, सबका कैप्टन कौन था, सबका कैप्टन मैक्सवेल था, जिन्होंने पॉइंट नहीं दिया, जिनकी बैटिंग भी आप देखो कि बैटिंग से भी पॉइंट नहीं दिया, बॉलिंग से भी पॉइंट नहीं दिया। और हमारा वीसी रसल 2 विकेट निकाल के दिए वहां पर, 2 विकेट वहां पर हमारा प्लस पॉइंट मिला, तो ये एक प्लस पॉइंट था। बैटिंग नहीं आई, बैटिंग आई होती तो वहां पर और एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकते थे, लेकिन हमारे वेंकटेश अय्यर जिन्होंने उस मैच में 77 आप देखोगे ना 70+ फैंटेसी पॉइंट हमें दिलाया और जैकपॉट करा दिया। इसके अलावा आप अगर मेरे टेलीग्राम से जुड़े होंगे ना तो आपको ये भी पता होगा, मैंने सीधे सीधे मैच में लिखा था कि अगर आपको सेफ खेलना है तो आप किसी भी गेंदबाज के जगह हर्षित राणा के साथ जा सकते हो। मैंने ये भी एक ऑप्शन आपको दिया था जो कि मैंने अपने टीम में नहीं रखा था हर्षित राणा को, लेकिन गाइस आप ये टीम देख लो, कंपैरिजन कर लो और आप खुद सोच लो कि आपने कल जो टीम बनाई थी अगर आप इस टीम के साथ खेलते तो आपकी कितनी ज्यादा विनिंग हो गई होती। तो आपके बाद ये जैसे मैंने कहा आप ये टीम के स्क्रीनशॉट सारे प्रूफ आप जाके विनिंग सब कुछ चेक कर सकते हो टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आज के मैच में अगर आप टीम बना रहे हो ना तो वहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहने वाला है कि आज का बेस्ट सीवीसी कौन रहने वाला है, आप यही क्वेश्चन सबसे पूछते रहते हो और हर जगह भागते रहते हो कि इस मैच का बेस्ट सीवीसी कौन है। तो गाइस जो हमारे पास आज के ऑप्शन रहने वाले हैं ना वो शिखर धवन होंगे, केएल राहुल होंगे, क्विंटन डिकॉक होंगे और सैम करन होंगे, जिसमें क्विंटन डिकॉक रिस्की पिक हो सकते हैं। अगर आपको सेफ खेलना है तो सैम करन के साथ जा सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों करेंगे। यहां पर शिखर धवन गब्बर की रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू केएल राहुल, तो ये जो चारों प्लेयर में जो आप कंफ्यूज होने वाले हो तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किसके साथ जाना है गाइस। लेकिन देखो हर एक मैच की फाइनल टीम होती है ना वो आती है टेलीग्राम पे, इसके अलावा गिव अवे भी स्पेशल वीडियो रहने वाला है, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ गाइस। सबसे पहले चैनल में नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, यहां ऑप्शन दिख रहा होगा उसके जस्ट ऊपर ऑप्शन दिखेगा मोर का, जैसे आप मोर पे क्लिक करोगे फोन में अपना पेज यहां पर दिखेगा टेलीग्राम, टेलीग्राम पे क्लिक कर देना, टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, यहां से आपको कर लेना है ज्वाइन, बाकी आप सर्च भी कर सकते हो गाइस। और मैं आपको बताती हूं आज के मैच में आपके लिए एक ऐसा ऑफर लेके आई हूं, मजा आ जाने वाला है आपको, स्पेशली अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो ना, जिस तरह से कल हमने ग्रैंड लीग में इतनी अच्छी हमारी स्मॉल लीग की टीम ने ग्रैंड लीग में परफॉर्म किया है, उसी तरीके से अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग में जीतना चाहते हो और काफी कम इन्वेस्टमेंट के साथ, तो तुरंत डाउनलोड कर लो माई 11 सर्कल, क्योंकि गाइस देखो आज के दिन आपको क्या मिलने वाला है ना। यहाँ पर अगर इस मैच की बात करूं लखनऊ की, यहाँ पर लखनऊ और पंजाब के बीच जो मैच होने वाला है वहां पर आपको माई 11 सर्कल दे रहा है मेगा कॉन्टेस्ट पे डायरेक्ट 90% का डिस्काउंट, लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ आज के लिए है और स्पेशली मेरे यूजर को मिलने वाला है,
तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके डाउनलोड कर लो गाइस। आपके डाउनलोड करते ही आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के एक घंटे के अंदर में आपको ये मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आपके कहाँ पर आपको 98% का डिस्काउंट मिलने वाला है। और ये ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो मौके का फायदा उठा लो और मौके पे चौके छक्के सब लगा लो और फटाफट जाके डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और खेलना स्टार्ट कर दो। क्योंकि गाइस अगर मैं बताऊं ना, इतना अच्छा ऑफर कुछ नहीं आपको मिलने वाला है। और अगर आप फर्स्ट रैंक पे आते हो तो आपको पता है कि यहाँ पर आप 1 करोड़ रुपए भी जीत सकते हो और इससे ज्यादा भी जीत सकते हो, और कुछ ना कुछ तो जीतोगे, जितना लगाओगे उससे ज्यादा लेके जाओगे, ये मैं आपको पक्का से बोल सकती हूँ यहाँ पर। इसके अलावा हम आपको बेस्ट टीम प्रोवाइड करने वाले गाइस इस एप्लीकेशन में, आप खेल के देखोगे ना मजा आने वाला है। इंस्टेंट विड्रॉल की बात करें, चाहे 24/7 कस्टमर सपोर्ट की बात करें, इजी टू प्ले, इजी टू विन है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फायदे मिलने वाले। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो सब लोग जाओ फटाफट जाके साइन अप करो, यहाँ पर खेलना स्टार्ट करो। और अगर आप मेरा कोड यूज करोगे ना गाइस, अगर आप वहां पर मेरा कोड यूज करते हो BALL20 अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट मिलेगा 1500 का कैश बोनस। इसके अलावा आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको मिलने वाला है 20% का एक्स्ट्रा कैश ऑफर ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। तो मेक योर टीम नाउ ओनली ऑन माय 11 सर्किल। मैंने तो अपनी टीम बना ली है, अब आपकी बारी है, तो फटाक से जाओ अपनी टीम बना लो और यहाँ पर जीत का स्ट्रोक लगाओ गए। यहाँ अगर हम बात करेंगे, इस खेल में आदत लगना, वित्तीय जोखिम शामिल है, तो कृपया अपने जिम्मेदारी से खेले। इसके अलावा हम इस वीडियो में बात करेंगे इस मैच के बेस्ट कैप्टन, वो इस कैप्टन क्या रहने वाले, बेस्ट टीम क्या होने वाली है, दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या होंगे, पिच रिपोर्ट, रीसेंट मैचेस जो वेन्यू पे खेले गए हैं, यहाँ पर दोनों टीम की प्लेइंग 11, सारे खिलाड़ियों की रीसेंट परफॉर्मेंस, रीसेंट फॉर्म, हेड टू हेड मुकाबले, यहाँ पर वेन्यू पे क्या परफॉर्मेंस है, प्लेयर्स बैटल की बात करेंगे जो आप बहुत डिमांड करते हो, विनिंग प्रोबेबिलिटी के अलावा इस मैच की ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम क्या रहने वाली है। तो गाइस यहाँ पर वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे भारत रत्न सी अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ की पिच कैसी है। देखो गाइस अगर मैं आपको रिसेंटली बताऊं ना, काफी ज्यादा बैलेंस पिच है और अभी ये पहला मैच इस सीजन का खेला जाएगा, पिच में थोड़े चेंजेस भी हो, तो लास्ट सीजन हमने तो देखा था वहां पर तो बैटर्स के लिए कुछ था ही नहीं, और इस बार भी हालांकि मैं आपको बताऊं तो वन ऑफ द हाईएस्ट फेवरेबल पिच फॉर बॉलर, बहुत ज्यादा फेवर करेगी यहाँ पर गेंदबाजों को, लेकिन ड्यू फैक्टर की वजह से बल्लेबाजों को भी थोड़ी मदद मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर स्पिन टू विन होगी, 65% तक चांसेस होते हैं स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलने के। अगर बात करें एवरेज स्कोर इन फर्स्ट इनिंग 148 है, सेकेंड इनिंग में 138 है, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर लखनऊ ने ही बनाया अपने होम ग्राउंड पे 193 पे 6 विकेट है, लोएस्ट स्कोर की बात करें तो वो भी लखनऊ ने बनाया है 108 पे, पूरी टीम पवेलियन लौट गई थी। टोटल 6 मैच खेले गए हैं जिसमें फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 4 मैच और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मुकाबले जीते। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से नीचे का स्कोर 3 बार, 150 से 170 का स्कोर 1 बार, 170 से 184 और 190 प्लस का स्कोर भी 1 बार बन चुका है। पेस वर्सेस स्पिन ने, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, स्पिनर्स को ज्यादा मदद है, लेकिन पेसर को भी यहाँ पर विकेट मिलती है। आखिरी कुछ मैच देखेंगे जो रिसेंटली वेन्यू पे लास्ट कुछ खेले गए, तो आखिरी आईपीएल का जो मैच खेला गया था लखनऊ और मुंबई का मैच था, जहां पर लखनऊ ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए बाजी मारी थी, विकेट गिरी थी 8, जिसमें से 5 विकेट निकाला था आपके पेसर ने और 3 विकेट मिली थी आपके स्पिनर को। एक और मैच देखेंगे यहाँ पर, बैंगलोर वर्सेज एलएसजी का मैच था, यहाँ पर देखो 19 विकेट गिरी थी, बैंगलोर ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए बाजी मारी थी जिसमें से 7 विकेट निकाला था आपके पेसर ने और स्पिनर को मिली थी यहाँ पर 9 विकेट। लखनऊ का मैच आया यहाँ पर देख सकते हो आप आरसीबी में, यहाँ स्पिनर को ज्यादा मदद है। एक और मैच देखेंगे, गुजरात और लखनऊ का मैच था, यहाँ पर आप देखो गुजरात भी फर्स्ट बैटिंग करते हुए जीती थी, 13 विकेट गिरी थी यहाँ पर अगर मैं बात करूं गाइस, और इस 13 में से 5 विकेट निकाला था आपके पेसर ने और 6 विकेट निकाला था आपके स्पिनर ने। तो ये तीनों ही मैच आप देख सकते हो किस तरह का मैच हुआ था यहाँ पर और किस तरह से विकेट मिली थी यहाँ पर स्पिनर को। साफ साफ आप देख रहे हो स्पिनर को ज्यादा मदद है। लास्ट मैच में अच्छा खासा स्कोर बना और इस मैच में भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अच्छा खासा स्कोर बनने वाला है, ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं बनेगा, 160 से 170 के बीच का मैच हो सकता है। बात करेंगे दोनों टीम की क्या होने वाली है प्लेइंग 11। सबसे पहले आज जान लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से ओपन करने आएंगे केएल राहुल, उनका साथ देते हुए देखेंगे क्विंटन डिकॉक, फर्स्ट राउंड बैटिंग आएंगे देवदत्त पाडिक्कल, फिर उनके बाद आएंगे आयुष बदोनी, बैक टू बैक दिखेंगे दीपक हुडा, निकलस पुरन,
मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, नवीन उल हक एंड यश ठाकुर। तो एग्जैक्टली जो बॉलिंग ऑर्डर रहेगी वो यही रहने वाली है। जहां इनके पास होंगे केएल राहुल तो उधर रहने वाले हैं शिखर धवन, जहां यहां होने वाले क्विंटन डिकॉक तो सामने से खेलेंगे बेयरस्टो। इसके अलावा सीबीसी में आपके पास स्टोइनिस और कृणाल पांड्या लखनऊ के पास है, तो सैम करन, लियम लिविंगस्टन वहां पंजाब के पास भी है। बॉलिंग सेक्शन में जब यहां नवीन उल हक दिखने वाले हैं तो वहां रबाडा, अर्शदीप, मोहसिन खान, इस तरह के गेंदबाजों का आमना सामना होगा। और इन सारे प्लेयर्स में से हमारी प्लेइंग 11 क्या बनेगी ये बात हम करेंगे। तो गाइस, तो यहां पर अगर आप बात करोगे ना, ये जो टॉप ऑर्डर है ये मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे यहाँ से। इसके अलावा आप यहाँ पर देखो जा सकते हो, निकोलस पुरन वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है, मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ वेस्ट इंडीज के इस खिलाड़ी को। इनके सिक्सेस जो आते हैं, इनके जो शॉट होते हैं, जिस तरह से इतना आसानी से लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, मजा आता है इनका गेम देख के। तो इस मैच में उम्मीद करूंगी कि फिर से एक बार निकोलस पुरन की वो परफॉर्मेंस देखने को मिले। बाकी मार्कस स्टोइनिस जो आपको गेंदबाजी से अच्छा पॉइंट दे सकते हैं। पिच पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कृणाल पांड्या बहुत इम्पैक्ट डाल सकते हैं, रवि बिश्नोई वन ऑफ द मस्ट पिक होंगे मेरे टीम में। इसके अलावा आप नवीन मोहसिन में से किसी एक के साथ जा सकते हो, मैं नवीन पे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ यहाँ पर फायरी परफॉर्मेंस आने की मोहसिन के कंपैरिजन में। हालांकि कृणाल भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये चार पांच छह खिलाड़ी कुछ ऐसे हैं गाइस जो हमारी टीम में मस्ट पिक होंगे, जिनके साथ मैं टीम बनाने वाली हूँ। लेकिन ग्रैंड लीग में किसको रिस्क लेना ये बिना स्टैट्स के बात नहीं होगी, तुक्के पे टीम नहीं बनने वाली है यहाँ पर। गाइस देखो, आगे बात करेंगे इन सारे खिलाड़ियों के आखिरी पांच मुकाबले के स्टैट्स की, रिसेंट वेन्यू पे क्या परफॉर्मेंस है, इसके अलावा पंजाब के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस है, जिसके बेसिस पे हमारी टीम बनाना काफी ज्यादा आसान होने वाला है। केएल राहुल की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, 21-105, 8-108, लास्ट मैच 58 मारा था। पंजाब के अगेंस्ट 3 मैच खेला है, 92 मारा है, वेन्यू पे 5 मैच खेला और 185 रन मारा है। क्विंटन डिकॉक की बात करेंगे, अगर रिसेंटली आप पांचों स्टैट्स देखोगे ना, एक भी मैच में 25 प्लस की पारी नहीं आई है। पंजाब के अगेंस्ट 3 मैच खेला है, 76 रन बने, वेन्यू पे 1 मैच खेला है, 16 रन बने। देवदत्त पाडिकर 105-86, 187-65 आखिरी मैच 0 पे आउट हुए थे। पंजाब के अगेंस्ट 5 मैच में 150 रन मार चुके हैं, वेन्यू पे एक भी परफॉर्मेंस यहाँ पर एक भी मैच नहीं खेला है। निकोलस पुरन की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो 36-57, 14-3 आखिरी मैच 64 मारा था। पंजाब के अगेंस्ट 4 मैच खेला है, 85 मारा है, वेन्यू पे 7 मैच खेला है, 85 रन मारा है। आगे अगर बात करें स्टोइनिस की, 3 विकेट, 38 रन, 1 विकेट, 9 रन, 2 विकेट, 3 विकेट, लास्ट मैच कंप्लीटली थे फ्लॉप। लेकिन पंजाब के अगेंस्ट अगर स्टैट देखोगे तो 4 मैच में 115 रन, 1 विकेट, वेन्यू पे 7 मैच में 145 रन, 2 विकेट निकाली है। कृणाल पांड्या 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 49 रन, 1 विकेट, लास्ट मैच किसी भी तरीके से पॉइंट नहीं दिया था और यही वजह भी थी लखनऊ की उस हार की, क्योंकि इनके मेन मेन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं आई थी। यहाँ पर पंजाब के अगेंस्ट देखें तो 5 मैच में 33 रन, 4 विकेट, वेन्यू पे 7 मैच में 153 रन मारा है और 6 विकेट निकाली है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर आयुष बदोनी की, तो यहाँ परफॉर्मेंस देख सकते हो 47-44, 162-62, लास्ट मैच 1 रन बनाया था। काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, अगर मैं यंग टैलेंट में देखूं तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट बैटर हैं। ये टीम के तरफ से ग्रैंड लीग में ट्राई आप कर सकते हो, जीएल पिक बन सकते हैं, स्मॉल लीग में जगह नहीं बनेगी। पंजाब के अगेंस्ट 3 मैच में 52 रन, वेन्यू पे 5 मैच में 94 रन मारा है। रवि बिश्नोई 0 विकेट, 7 विकेट, 2 विकेट, लास्ट मैच 1 विकेट मिली थी। पंजाब के अगेंस्ट 3 मैच खेला है, 5 विकेट निकाली है, वेन्यू पे आप परफॉर्मेंस देख सकते हो 6 मैच में टोटल 9 विकेट निकाली है। दीपक हुड्डा 63, 9 रन, 77, 36, 26, पंजाब के अगेंस्ट 3 मैच खेला है, 47 रन मारा है। अगर वेन्यू पे बात करें तो 6 मैच खेला है जहां पर 34 रन केवल बने हैं। बैटिंग बहुत नीचे आएगी, शायद जगह नहीं बनेगी यहाँ पर। मोहसिन खान 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, हर एक मैच में विकेट मिली है। पंजाब के अगेंस्ट स्टैट्स अच्छे, 1 मैच में 3 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच खेला है और 1 ही विकेट मिली है। यश ठाकुर 4 विकेट, 3 विकेट, 6 विकेट, 6 विकेट, लास्ट मैच विकेट नहीं मिली है पंजाब के अगेंस्ट। लेकिन स्टैट्स अच्छे, 1 मैच में 4 विकेट, वेन्यू पे 3 मैच में 3 विकेट निकाली है। नवीन उल हक 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, लास्ट मैच मिली थी 2 विकेट। पंजाब के अगेंस्ट स्टैट्स बहुत अच्छे इनके भी, 3 यहाँ पर 1 ही मैच खेला है, 3 विकेट निकाली है, वेन्यू पे 3 मैच खेला है, 4 विकेट लिया। तो गाइस प्लेयर्स एनालिसिस हमने किया है, एलएसजी के जो भी बेंच प्लेयर रहने वाले लखनऊ की तरफ से एक्स्ट्रा प्लेयर अगर कोई भी प्लेयर में चेंज होता है तो आपके पास सारे स्टैट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि हम बात करने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग ऑर्डर क्या रहेगी। पावर प्ले में बॉल डालेंगे नवीन उल हक, यश ठाकुर, कृणाल पांड्या, मोहसिन खान। मिडिल ओवर में बॉल डालेंगे रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, कृणाल पांड्या, मार्कस स्टोइनिस। डेथ ओवर में बॉल डालेंगे नवीन उल हक, यश ठाकुर एंड मोहसिन खान। तो एग्जैक्टली बॉलिंग ऑर्डर यही रहेगी, जहां पर मैं आपको बताऊं पावर प्ले में यहाँ पर मोहसिन खान की इंपॉर्टेंस काफी रहेगी। मिडिल ओवर में रवि बिश्नोई सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज रहेंगे, कृणाल पांड्या, स्टोइनिस भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे। डेथ में अगर मैं बताऊं तो डेथ में नवीन उल हक से अच्छी परफॉर्मेंस,
किसी की नहीं देखने को मिलेगी। ये बात हुई है गेंदबाजों की, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पंजाब किंग्स की, क्या होने वाली है प्लेइंग 11, क्या किंग्स फिर से किंग्स बनेंगी। अगर मैं बात करूं, इस सीजन में 2 मैच खेला है, पहला मैच जीती थी डीसी के अगेंस्ट, लेकिन दूसरा मैच बैंगलोर के अगेंस्ट हारी है उनके होम ग्राउंड पे, यहाँ पर लखनऊ के होम ग्राउंड पे जा रही है। तो क्या फिर से हारने वाली है ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन प्लेयर्स के बारे में एनालिसिस जरूर करेंगे। ओपन करने आएंगे शिखर धवन, गब्बर इनका साथ देते हुए दिखेंगे, जॉनी बेस्टो फर्स्ट ऑन बैटिंग आएंगे, प्रभसिमरन सिंह बैक टू बैक दिखेंगे, सैम करन, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, शशांक सिंह, हरप्रीत ब्रार, हर्षल पटेल, कगिसो रबाडा, हर्षदीप सिंह एंड राहुल चहर। तो एग्जैक्टली यहाँ पर प्लेइंग 11 जो रहेगी, इम्पैक्ट प्लेयर भी मैंने आपको बताया सारे प्लेयर की ऑलमोस्ट यही रहने वाले हैं। इसमें कोई चेंजेस इक्का-दुक्का चेंजेस हो सकते हैं, एक चीज मैं यहाँ पर उम्मीद कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर देखो हमारे प्लेयर कौन से रहने वाले हैं, शिखर और जॉनी, ये ओपनर्स को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो T20 फॉर्मेट में। इसके अलावा सैम करन, लियाम लिविंगस्टन, इस मैच में लिविंगस्टन को जीएल में सीवीसी जरूर ट्राई कर लेना, यहाँ पर मुझे लग रहा है जीएल के सीवीसी लिविंगस्टन एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी देखो रबाडा मस्ट पिक प्लेयर है, बहुत बड़ा नाम है, यहाँ पर आप जा सकते हो। देखो अर्शदीप या हर्षल में से किसी एक प्लेयर के साथ हमको जाना है यहाँ पर, अगर आपको सेफ खेलना है तो आप अर्शदीप के साथ जा सकते हो, अगर आप रिस्की टेक लेना चाहते हो, रिस्की पिक तो हर्षल पटेल भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। तो गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो मेरे कुछ प्लेयर हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर पंजाब की तरफ से वो मैंने आपको बताया। बात करेंगे इन सारे खिलाड़ियों के आखिरी 5 मुकाबले के स्टैट्स की, वेन्यू पे क्या परफॉर्मेंस है, इसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले यहां देखने वाले हम शिखर धवन की परफॉर्मेंस, जिनके अगर हम रीसेंट फॉर्म की बात करें 7-0 17-22 लास्ट मैच 45 मारा था, लखनऊ के अगेंस्ट 2 मैच खेला है, केवल 6 रन बने, वेन्यू पे मैच नहीं खेला है। प्रभसिमरन सिंह 171-20-26 लास्ट मैच 25 मारा था, यहाँ पर लखनऊ के अगेंस्ट इनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वेन्यू पे 5 मैच खेला है, 165 मारा है। जॉनी बेस्टो की अगर हम बात करें 4-68-68-9 रन 8 रन एकदम फ्लॉप लास्ट 2 मैच से, इस मैच में उम्मीद रहेगी। लखनऊ के अगेंस्ट 1 मैच खेला है, 32 रन बने, वेन्यू पे मैच नहीं खेला है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर गए लियाम लिविंगस्टन की परफॉर्मेंस देखिए तो 6 रन 1 विकेट 2 रन 30 रन 1 विकेट 38 रन लास्ट मैच 17 मारा था, लखनऊ के अगेंस्ट 2 मैच खेला 41 मारा है, वेन्यू पे मैच नहीं खेला है। जितेश शर्मा 31-0 29-27 रन लखनऊ के अगेंस्ट, 3 मैच 28 रन, वेन्यू पे 1 मैच 2 रन। शशांक की बात करेंगे 35-8 15-0 21, शशांक सिंह के देखो यार परफॉर्मेंस भी बहुत मुश्किल है, ग्रैंड लीग की पिक बन सकते हैं, स्मॉल लीग में तो जगह ही नहीं बनेगी क्योंकि बैटिंग भी नीचे है कि कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है प्लेइंग 11 में ही रह रहा है। सैम करन 3 रन 1 विकेट 17 रन 2 विकेट 7 रन 2 विकेट 3 रन 0 विकेट लास्ट मैच 23 रन 1 विकेट। अगर आप देखोगे ना कंप्लीटली हर मैच में खिलाड़ी पॉइंट दे रहा है, और यही वजह है कि इनको मैंने सीवीसी का ऑप्शन आपको दिया था, क्योंकि देखो बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से कहीं ना कहीं से पॉइंट दे के जाएंगे। यहाँ पर लखनऊ के अगेंस्ट स्टैट्स भी अच्छे हैं, 2 मैच में 27 रन 4 विकेटें, वेन्यू पे भी परफॉर्मेंस अच्छी है, 1 मैच खेला है 3 विकेटें निकाल के दिए, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करेंगे। सामने की टीम में काफी सारे राइट हैंडेड बैट्समैन है, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं सैम करन। इसके अलावा कगिसो रबाडा की बात करें तो 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट लास्ट मैच लिया है 2 विकेट। लखनऊ के अगेंस्ट स्टैट्स आप देख सकते हो 3 मैच में 8 विकेटें, वेन्यू पे 1 मैच में 2 विकेटें। हर्षल पटेल की बात करें 3 विकेट 1 विकेट 0 2 1 विकेट लखनऊ के अगेंस्ट, 4 मैच में 6 विकेटें, वेन्यू पे 1 मैच खेला और 1 ही विकेट निकाली है। आगे अगर हम परफॉर्मेंस देखें अर्शदीप सिंह की बात करें तो यहाँ पर 2 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 2 विकेट लास्ट मैच विकेट नहीं मिली है, इस मैच में विकेट 1 से 2 विकेट कंफर्म मिलने वाली है। लखनऊ के अगेंस्ट 3 मैच में 2 विकेटें, वेन्यू पे 5 मैच में 2 विकेटें निकाली है। राहुल चहर 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट लास्ट मैच विकेट नहीं मिली है। लखनऊ के अगेंस्ट भी स्टैट्स कुछ खास नहीं है, 3 मैच खेला है 2 ही विकेट मिली है, वेन्यू पे 1 मैच खेला है विकेट नहीं मिली है। हरप्रीत ब्रार लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, यहाँ पर इस मैच के इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, आखिरी मैच में 2 विकेट लिया था। आरसीबी के अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छी है यार, लेकिन हर टीम के अगेंस्ट ये खिलाड़ी नहीं चलता है। लखनऊ के अगेंस्ट देखो 1 मैच खेला है 1 ही विकेट मिली है, वेन्यू पे 5 मैच खेला है 4 विकेट मिली, ठीक है। तो यहाँ पर आप पंजाब की तरफ से भी एक्स्ट्रा प्लेयर के स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी चेंजेस होते तो यहाँ पर आपके पास सारे स्टैट्स होने चाहिए पंजाब की तरफ से। हालांकि टीम बहुत अच्छी इस बार नजर आ रही है, लेकिन मुझे लगता है पंजाब को सिकंदर रजा को जरूर मौका देना चाहिए, यहाँ पर बहुत गजब का खिलाड़ी है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से टीम को काफी बैलेंस दे सकते हैं, तो देखते हैं। हालांकि टीम यहाँ पर मैं तो सिलेक्शन करने वाली नहीं हूँ, मेरी चलती तो मैं सिकंदर रजा को जरूर चांस देती, तो देखते हैं इस मैच में क्या होने वाला है, ये तो मेरा एक सजेशन है, हो सकता है पंजाब की टीम मेरी बात सुन ले। बाकी गाइस देखो पंजाब की बॉलिंग ऑर्डर ये रहने वाली है कि पावर प्ले में बॉल डालेंगे अर्शदीप सिंह, कगिसो रबाडा एंड सैम करन, मिडिल ओवर में बॉल डालेंगे लियाम लिविंगस्टन, हरप्रीत ब्रार, राहुल चहर, सैम करन एंड हर्षल पटेल, डेथ में बॉल डालेंगे अर्शदीप सिंह, कगिसो रबाडा एंड हर्षल पटेल। तो एग्जैक्टली जो बॉलिंग ऑर्डर रहने वाली है पंजाब की तरफ से वो यही रहने वाली है।
प्लेयर्स बैटल की तरफ नजर डालेंगे। आप यहाँ पर ग्रैंड लीग वाले जो डालो वीडियो पे, यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंच चुका है। प्लेयर्स बैटल की बात करने वाले केएल राहुल को देख सकते हो आप। कंगिसो रवाडा ने 36 गेंदों में 3 बार चलते बना किया है। अर्शदीप ने 18 में 1 गेंद पे, यहाँ पर सैम करन की बात करें तो 6 गेंदों में 1 बार चलते बना किया है। राहुल चहर ने 45 गेंद पे 1 बार। यहाँ पर निकोलस पुरन की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो 31 गेंदों में 1 बार हर्षल पटेल ने चलते बना किया है। अर्शदीप सिंह ने 22 में 1 बार, और कगिसो रवाडा ने 21 गेंद में 2 बार लिया इनको, और यहाँ पर सैम करन 6 गेंदों में 1 बार। आगे अगर हम डिकॉक की बात करें, अगेन वही नाम, कगिसो रवाडा, हालांकि परफॉर्मेंस अच्छी है यहाँ पर, हम इसको खराब नहीं कर सकते। 68 गेंद खेले हैं यार, 100 रन बनाया। अर्शदीप की अगर हम बात करें तो 12 गेंदों में 2 बार चलते बना किया है। सैम करन ने 20 गेंदों में 1 बार। अगेन आकाश स्टोइनिस को सैम करन ने 15 गेंदों में 2 बार, हर्षल पटेल ने 16 गेंदों में 2 बार, राहुल चहर ने 33 गेंदों में 1 बार। अगर आप परफॉर्मेंस और बॉलिंग को देखोगे तो पंजाब की तरफ से यहाँ पर कगिसो रवाडा, अर्शदीप सिंह, सैम करन, ये 3 नाम जो हर जगह दिख रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है, लखनऊ के प्लेयर्स को फंसा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके देख लो कि प्लेयर्स बैटल किस तरह कौन किसको फंसाने वाला है, तो उसके अगेंस्ट यार आप उसको एटलीस्ट सीवीसी मत क्रिएट करना, ये गलती मत करना। लेकिन अगर पंजाब के बैटर्स की बात करें तो यहाँ पर स्टोइनिस ने शिखर धवन को 8 गेंदों में 1 बार, और स्टोइनिस देखो मिडिल ओवर में बॉल डालेंगे, इसका मतलब है कि शिखर धवन पावर प्ले में एकदम सेफली खुल के खेलेंगे। रवि बिश्नोई भी यहाँ नीचे आएंगे, तो रवि बिश्नोई और शिखर, मतलब इससे पता चल जाता है कि इस मैच में शिखर धवन एक अच्छी पिक रहने वाले, बैटिंग यहाँ अच्छी करने वाले हैं। बेस्टों की बात करें तो कुरुण पांड्या ने 15 गेंदों में 1 बार चलते बना किया, नवीन उलहक ने 9 में 1 बार, रवि बिश्नोई ने 20 गेंदों में 1 बार, सैम करन को अगेन रवि बिश्नोई ने 5 गेंदों में 1 बार चलते बना किया, स्टोइनिस ने 7 गेंदों में 1 बार, नवीन उलहक ने 4 गेंदों में 1 बार। लिवन लिविस्टर को अगर बात करें, रवि बिश्नोई 13 में 1 बार, कुरुण पांड्या ने 13 में 1 बार, मोहसिन खान ने पहली गेंद पे चलते बना किया था। रवि बिश्नोई, स्टोइनिस, कुरुण पांड्या, ये 3 नाम काफी इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं गाय लखनऊ के गेंदबाजों की तरफ से, और मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आप स्टोइनिस, कुणाल पांड्या इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, और रवि बिश्नोई वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन लखनऊ की टीम में अगर हम देखें तो बहुत अच्छी पिक रहने वाले। यहाँ पर सबसे सेफेस्ट प्लेयर मुझे शिखर धवन लगे हैं, बाकी सब पे थोड़ा सा मुझे रिस्क लग रहा है यहाँ पर, बाकी आप अच्छी टीम खुद ही आ रही है। यहाँ देखो जिस तरह से प्लेयर एनालिसिस की जा रही है, आप बेस्ट टीम बनाने वाले हो, इस बात में बहुत प्लेयर की बातें कर ली है। टीम की बातें करें तो दोनों टीमों ने 3 मैच आमने सामने खेला है। हेड टू हेड की बात करें, 3 में से 2 बार लखनऊ जीती और 1 मैच पंजाब जीती है। लास्ट मैच जो खेला गया था वो लखनऊ ने जीता था गाइस, यहाँ पर आईपीएल 2023 38वां T20 मैच था, 28 अप्रैल को खेला गया था, जहाँ पर स्टोइनिस ने 72 मारे थे, काइली मेयर उस वक्त टीम में थे, 54 मारा था, पूरन ने 45 मारे थे, यश ठाकुर को 4 विकेट मिली थी, नवीन को 3 मिली थी, रवि बिश्नोई 2 मिली थी। यहाँ से बात करें, ताइदे थे, लिविंगस्टन ने 24 मारा था, जितेश ने 24 मारा था, अर्शदीप और रवाडा और सैम करन को विकेट मिली थी। अर्शदीप, रवाडा, सैम करन की बात हमने ऑलरेडी कर ली है, यहाँ पर नवीन, रवि बिश्नोई और स्टोइनिस की बात हमने ऑलरेडी कर ली। यहाँ देखेंगे एक और मैच, इससे पहले वाला मैच लास्ट सीजन 2023 का ही था, 21st मैच 15 अप्रैल। यहाँ पर आप देखो पंजाब ने चेस करते हुए बाजी मारी थी, यहाँ पर केएल राहुल ने 74 मारा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रवि बिश्नोई, कुणाल पांड्या यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। पंजाब की तरफ से सिकंदर रजा ने मारा था इस मैच में 50। इसके अलावा सैम करन, रवाडा, अर्शदीप, वही नाम बार बार, आप हेड टू हेड में भी देखो, आप प्लेयर्स परफॉर्मेंस में देखो, आप रीसेंट फॉर्म में देखो, स्क्रीनशॉट लो गाइस, यहां से आपको टीम बनाने में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। मैं खुद भी टीम बनाने से पहले वीडियो देखती हूँ, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है कि इस मैच में बाजी कौन मारेगा, तो यहाँ पर गाइस क्रिक बॉल की टीम, आपको ये लगता है कि अगर आपको मेरी टीम से खेलना है, फैंटेसी क्रिक बॉल की टीम से आप खेलना चाहते हो और आप भी लास्ट मैच की तरह क्लीन स्वीप करना चाहते हो, तो गाइज आपको बता देती हूँ कि मुझे लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स इस मैच में बाजी मारेगी। रीसेंट फॉर्म की बात करो तो लखनऊ ने आखिरी 5 में से 3 मैच जीते, वही बात करें यहाँ पर पंजाब किंग्स की तो आखिरी 5 में से 2 मैच जीते। अगर आप पलड़े की भी बात करोगे तो लखनऊ का पलड़ा भारी, और मैं खुद भी यूपी से हूँ तो यूपी को सपोर्ट करने वाली हूँ। बाकी देखो क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल गेम है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन टीम अपनी चलनी चाहिए गाइस। बाकी आपको सबको पता है कि यहाँ पर फैंटेसी क्रिक बॉल की टीम ने कितना आग लगा के रखा है, लेकिन इस मैच की बेस्ट टीम क्या रहने वाली है, जिस चीज के लिए आप इतने देर रुके थे, तो सारा इंतजार हुआ खत्म, टीम हुई आपकी। यहाँ पर देखो विकेट कीपर में केएल राहुल, निकोलस पुरन एंड क्विंटन डिकॉक, बैटिंग सेक्शन में शिखर धवन, ऑलराउंडर में मार्कस स्टोइनिस, कुणाल पांड्या, सैम करन, बॉलिंग की बात करें तो नवीन उलहक, रवि बिश्नोई, कगिसो रवाडा एंड अर्शदीप सिंह बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। कैप्टेंसी के लिए फर्स्ट एंड बेस्ट केएल राहुल, बीसी के लिए शिखर धवन, आप चाहो तो आप इसे वाइस वर्सा भी कर सकते हो, अदर ऑप्शन में आप मुझसे पूछोगे तो सैम करन भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर गाइस आप चेंज क्या कर सकते हो ना, आप यहाँ पर मुझे लग रहा है अर्शदीप या फिर
किसी प्लेयर पे रिस्क लेके, क्रूनर पे रिस्क लेके लिविंगस्टन को अपने टीम में ट्राई कर लेना। लिविंगस्टन ग्रैनली की अच्छी पिक रहेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लो, मेरी सेम टीम के भी साथ जाओगे तो इस मैच में जबरदस्त विनिंग होने वाली है। 60-70% तक के कॉन्टेस्ट कंफर्म जीतने वाले हो गाइस, ये बात आप लिख के ले सकते हो कि इस मैच की विनिंग कंफर्म है। जिस तरह आखिरी मैच में आपकी फैंटेसी क्रिकेट बॉल ने आपको जिताया है, इस मैच में भी जिताने वाली हूँ। लेकिन बात हुई है इस स्मॉल लीग की, ग्रैंड लीग में किसको ट्राई करना है? ग्रैंड लीग में हमारे ऑप्शन होंगे स्टोइनिस, लिविंगस्टन, निकोलस पुरन एंड कगिसो रबाडा। ये मेरे चार इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। कल की ग्रैंड लीग पिक उठा के देख लेना, मैंने आपको कंफ्यूज नहीं कि 8-10 प्लेयर के नाम लोग देते हैं ना, सिर्फ 4 प्लेयर दिया था जिसमें से 3 प्लेयर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, ठीक है, जिसमें हमारे पास वेंकटेश अय्यर भी थे, जिसमें हमारे पास वहां पर अगर बात करें कि आपके विकेट कीपर फिल सार्ट भी थे। तो इसी तरीके से इस मैच में भी मैंने आपको ये 4 ऑप्शन दिया, और आप देख लेना 2-3 प्लेयर इसी में से आग लगाएंगे और इस मैच में धमाकेदार पारी खेलेंगे और आपकी फैंटेसी में सबसे ज्यादा पॉइंट दिलाएंगे। तो ग्रैंड लीग में विनिंग करनी है तो इन प्लेयर्स पे दाव खेलो और सीवीसी क्रिएट करो ताकि आपके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाए। बाकी गाइस देखो, थोड़ा सा प्लेयर शफल, प्लेयर रोटेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आपको कुछ प्लेयर पे रिस्क लेना पड़ेगा जिनके चांसेस होते हैं गेम में बने रहने के। जैसे लास्ट मैच में मैंने रिस्क लिया था वेंकटेश अय्यर पे, वैसे इस मैच में आप भी रिस्क ले सकते हो। ऐसे कुछ बड़े रिस्क कभी कभी फायदे दे जाते हैं, लेकिन मैंने क्यों लिया था उसके पीछे रीजन था, क्योंकि वो ओपन आ रहे थे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि उसी प्लेयर पे रिस्क लेना है जिसको पूरा मौका मिलने वाला है, तो गाइस वैसे ही प्लेयर पे आपको भी रिस्क लेना है। बाकी देखो, आपको जैसा मैंने बताया कि ग्रैंड लीग में जबरदस्त विनिंग करनी है और कम पैसे लगा के, तो माई 11 सर्कल अभी तुरंत फोन में आपके होना चाहिए और हमारे फैंटेसी क्रिकबॉल फैमिली के जितने भी मेंबर है ना, सबके फोन में यहाँ पर माई 11 सर्कल होना चाहिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, सब लोग जाओ फटाफट डाउनलोड करो, साइन अप करो, रजिस्टर करने के तुरंत बाद कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना, नहीं तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा। आज के ही मैच में ये मौका है, लखनऊ पंजाब के मैच में, ठीक है। बाकी आप सबको पता है पहला प्राइज यहाँ पर 1 करोड़ रुपए, शुरुआत ही 1 करोड़ से, तो सोचो और कितनी बड़ी बात होने वाली है और कितने पैसे, आप इससे भी ज्यादा पैसे आप जीत सकते हो पूरे आईपीएल में ना। यहाँ पर धमाका लोग मचाने वाले। कल के मैच में हमारे एक यूजर ने बहुत जबरदस्त विनिंग की है माई 11 सर्कल पे, क्योंकि कॉम्पिटिशन भी कम है। आप खेल के देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि अदर ऐप में आप क्या जीत रहे हो और यहाँ पर आप क्या जीतने वाले हो। तो फटाफट और डाउनलोड कर लो और यहाँ पर मेरा कोड यूज करोगे बॉल20, तो आपको 20% का रियल कैश ऑफर एक्स्ट्रा और आपको 1500 कैश बोनस मिलने वाला है। बाकी गाइस देखो, इस खेल में आदत लगना, वित्तीय जोखिम शामिल है, तो प्ले रिस्पॉन्सिबली। और हमारी फाइनल टीम यहाँ नहीं आने वाली है, क्योंकि हमारी फाइनल टीम आती है टॉस के बाद, जो आएगी हमारे टेलीग्राम चैट फैंटेसी क्रिकबॉल पे, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, वो आएगी टीम। उसके पता चल जाता है कि टॉस के बाद कौन पहले बैटिंग बॉलिंग करेगा, उसके अकॉर्डिंग टीम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। दोनों टीम की एग्जैक्ट प्लेइंग 11 पता हो जाती है, जैसा मैंने बोला है कि दोनों टीम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो वो जो मॉडिफाइड टीम आएगी ना वो टेलीग्राम पे आएगी, तो उसके लिए आपको मेरे फैमिली का हिस्सा बनना पड़ेगा गाइस। और आज का हमारा गिव अवे क्वेश्चन ये रहने वाला है कि इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनने वाला है, आपके फैंटेसी में सबसे ज्यादा पॉइंट कौन दिलाने वाला है। और सेकंड क्वेश्चन ये रहने वाला है कि इस मैच में मोस्ट विकेट टेकर बॉलर, सबसे ज्यादा विकेट निकाल के कौन देगा। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर करने के साथ साथ आप हैशटैग लगाना मत भूलना, हैशटैग आप लगा दे LSG या LKN वर्सेज यहाँ पर PBKS, LSG वर्सेस PBKL, लखनऊ वर्सेस पंजाब, हैशटैग लगा देना LSG वर्सेस पंजाब। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट मैच के पूरी प्रेडिक्शन के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, लेकिन सबसे पहले करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कॉमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं।